रहमतुल्लाहि व माय नेम इज अंसारी सानिया मैं आप लोगों के लिए ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का पेपर बनाती हूँ तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का बायोलॉजी की लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोपरेट रहा उसमें उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए इस साल में बच्चों के कमेंट्स पर मैं दो हज़ार चौबीस का जो पेपर हुआ है हमारा उसकी वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा आप वो क्वेश्चन जो है मुझे कमेंट्स में पूछिए इंशाल्लाह मैं उसके पूरे पूरे जवाब देने की कोशिश करूंगी और जो है हमारा प्ले लिस्ट है प्ले लिस्ट पर जाइए आप, आपको सारी चीजें वहाँ पर अवेलेबल होगी ठीक है थीज़े? तो दो हजार इक्कीस का भी जो पेपर है मतलब जो होम सेंटर था उसके अकॉर्डिंग भी वो पेपर भी आपको अवेलेबल है बाईस का तो पक्का डैम श्योर है कि हर एक चीज़ मिलेगी आपको केमिस्ट्री भी एंड बायोलॉजी भी तीनों पेपर सोल्यूशंस के साथ में मिल जाएंगे 2023 का भी है मैंने डाला है और 2024 के स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इन आप लोग क्या करेंगे मुझे इस वीडियो में भी कॉपरेट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो को शेयर भी करेंगे आप लोगों का जो कमेंट सेक्शन होता है आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उससे ही हमको क्या होता है मोटिवेशन मिलती है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी वीडियो बना सकूँ बरकातहू प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी की जो बायोलॉजी का पेपर है इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है किस तरीके से हमें इसके जवाब जो है अकज करनी है लेकिन उस चीज के पास जाने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि आप लोगों को ये नॉलेज रहना बहुत जरूरी है देखिए यहां पर जो है 2024 लिखा हुआ है तीसरे महीने का पेपर है 6 तारीख को हुआ था ठीक है बायोलॉजी का है और ये कोड होता है हमारा ये आपको इसका टेंशन नहीं लेना है वो छोड़ दो और यहाँ पर सीट नंबर है ठीक है अब हमारे पास देखो तीन घंटे का टाइम होता है टोटल आठ पेज होते हैं और सत्तर मार्क्स के होते हैं क्लियर हो गए आपको सारी चीजें अब इसके अलावा आप यहां देखिए आम हिदायत आपको दी हुई है तो जो हमारा बायोलॉजी का पेपर होता है बेटा ये टोटल चार हिस्से पर मुश्तमिल होता है यानी चार हिस्से में ये क्या होता है डिवाइड हो जाते हैं तो हिस्सा ए बी सी एंड डी सारी चीजें आपको यहां पर लिखी हुई मिलेगी सवाल नंबर एक जो है इसमें दस जो है एम सी क्यू होते हैं और हर एक को एक नंबर दिया जाता है और पहला जो हम आंसर सिलेक्ट करे रहेंगे वही के ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे सवाल नंबर दो में आठ से ज्यादा जो है जवाब होते हैं एक नंबर क्वेश्चन के लिए होते वन वर्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं हर एक को एक नंबर दिया जाता है यानी अब हम यहाँ देख लेते हैं हिस्सा हिस्साउल पढ़ लिए हिस्सा हिस्साउल देखना जरूरी है यहाँ पर देखो बेटा हिस्से अव्वल के लिए दस मार्क्स है हिस्सा अव्वल दस मार्क्स है ठीक है सारे दस मार्क्स आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं अगर आप लोग चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ठीक है स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बाद आप देखिए तो टोटल दस सवाल हैं हमारे पास दस सवाल हो गए ठीक है अब सवाल नंबर दो इसी के अंदर बताया गया था ना तो सवाल नंबर दो जो है यही चीज है हमको आठ सवाल दिए होंगे आठ मार्क्स का करना कंपलसरी है अट्ठारह मार्क्स हो गए हमारे पास यहीं पर ही ठीक है कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है हिस्सा बी में देखिए हिस्सा बी में सवाल नंबर तीन से चौदाह इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के सवाल होते हैं हर एक को दो मार्क्स दिए जाते हैं आठ सवाल हल करने होते हैं सोलह मार्क्स का है दो दो मार्क्स है ठीक है आपको मैं बहुत स्लो स्लो बता रही हूँ वीडियो आपको स्लो लग रही है आप फास्ट करके देख लीजिए सारे क्वेश्चन हैं अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीन लेना तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ आठ सवाल ही करने हैं सवाल नंबर तीन एक हो गया दो तीन चार पच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह सवाल टोटल दिए जाएंगे आठ करना है नौ दस ग्यारह बारह चार सवाल एक्स्ट्रा होते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा तीन से शुरू होता है और चौदह पे खत्म हो जाता है चार सवाल हमको यहाँ पर कितने सवाल चार सवाल हमको कैसा दिया जाता है एक्स्ट्रा दिया जाता है क्या दिया जाता है एक्स्ट्रा दिया जाता है आपको बात समझ में आ गई मतलब क्वेश्चन नंबर बी में हम मार्क्स अचीव कर सकते हैं चार सवाल एक्स्ट्रा है इसमें सवाल नंबर पंद्रह से शुरू होता है सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है चौबीस मार्क्स का है यहां पर देखिए पहले क्या इंफॉर्मेशन दी है पेपर पहले समझ लोगे बेटा तो बहुत ईजी हो जाएगा हर एक को तीन मार्क्स दिए जाते हैं तो हर एक को तीन मार्क्स है कितने सवाल दिए जा रहे हैं पंद्रह से लेकर के सोलह के बीच में कोई आठ सवाल हल करना है एक पे तीन मार्क्स है तो हमको इसमें भी तीन चार सवाल हमको यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मिलते हैं पहले आप लोग स्क्रीन ले लो अगर आप लोगों को इसका स्क्रीन चाहिए तो आप इसका, 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 इसका स्क्रीन ले सकते हो इसमें भी चार सवाल एक्स्ट्रा है कहने की कुल मिला के बात कहने की ये है बेटा कि अगर आप लोगों ने सवाल नंबर जो है पंद्रह से लेकर के सोलह के बीच की तैयारी अच्छे से करते हो तो आपके मार्क्स यही पर ही चौबीस मार्क्स कवर होते बायोलॉजी इतना हार्ड नहीं है जितना हम समझते हैं बहुत इजी अगर समझ के पढ़ेंगे तो सेक्शन जो है हमारा डी ये जो है चौथा सेक्शन है इसके अंदर बारह मार्क्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ तीन सवाल हल करने हैं क्या मजे की बात है अगर इस क्वेश्चन में से दो या तीन सवाल हमको देखने के लिए या करने के लिए मिल जाएंगे तो कितने अच्छे बात होगी हमको यहां पर तीन सवाल करने हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कितना दिया है एक दो तीन तो हमको यहाँ पर दो क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो आप लोग पिछले साल के सारे पेपर्स को देखिए ताकि आपको समझ में आएगा चलिए ठीक है अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बायोलॉजी का पेपर मैंने आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है आवाज थोड़ा खराब है आप लोग कोऑपरेट कर लीजिए सर्दी होने की वजह से देखिए बेटा मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है सवाल नंबर जो एक है उसके अंदर दस सवाल दिए जाएंगे आपको सारे आंसर दिए गए हैं नबातात में नमोई मेहरकाम जो होता है ठीक है तो उसका रिकावटी असर कौन होता है एबिस्किस एसिड होता है दर्ज झेल में से कौन सा लै कॉपरिया का हिस्सा नहीं होता है इंडक्टो सबका आंसर आपको मिल गया है देखो कॉर्प्रासब और यहाँ पर जो है मुसफात गुजरूफ और एड्स जो होता है ये कैसा होता है जरासिम को सुई के जरिए से होता है यानी एड्स जो है अगर हम कोई ऐसी इंजेक्शंस को, को यूज़ करें या नीडल्स को यूज़ करें जो बार बार एक ही अलग अलग मरीजों एक ही नीडल्स को बार बार जो है अलग अलग मरीजों पर यूज़ किया जाएगा तो उसके लिए एड्स हो जाता है और आपको पता है कि जो हमारा कामरा होता है वो न्यूक्लियोटाइट का आठ से लेकर के चार जो है इतना हिस्सा होता है मैंने आपको सारे आंसर लगा कर दे दिया है ठीक है जिनों तो ग्रामी जो है ये हमारा ठीक है जिटिनो ग्रामी अब ये हमको मिल गया इसके अंदर जिनसे तौर पर वो यक्सा होते हैं और ये वाला जो है चैप्टर नंबर फोर्टीन के लिए इसमें दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा प्रॉपर आंसर जो होता है वो हमको मिल जाएगा ठीक है और ये भी चैप्टर नंबर फिफ्टीन में दिया हुआ है देख लीजिए सारे आंसर आपको यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं अच्छा ये होने के बाद देखिए यहाँ पर सारे आंसर दिए हुए हैं तो सवाल नंबर एक पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक साथ एक जगह लिखा हुआ मैं आप लोगों को इस वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी बस यही दो चीजें दिखाने वाली हूँ इसके अलावा जो है हम और चीजें नहीं देखेंगे क्लियर है देखिए यहाँ पर आठ जो है हमारा फिलअप हो चुका उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर जवाब लिखा है आप जवाब का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप जवाब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देखिए मैं पढ़ करके भी बता देती हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली मिल जाए सवाल पहले पढ़ लेते हम क्योंकि यहाँ पर जवाब तो आपने ले लिया है सवाल देखते हैं बेटा बाकियातीजू क्या है बाक्यातीजू को एक नाम और दिया जाता है उसे आसारी उजू भी कहा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना जानदारों में तनाजुल पजीर पजीर या नामुकम्मल नमू याफ्ता गैर फाल हिस्से को क्या कहा जाता है आसारी उजू कहते हैं आसारी हिस्सा कहते हैं या तो फिर उजू कहते हैं ठीक है जानदारों में नामुकम्मल नमू याफ्ता गैर फ़ाल हिस्से को आसारी उजू कहते हैं ये हमको चैप्टर नंबर फाइव में मिला है चैप्टर नंबर टू में है चैप्टर नंबर जो है नाइन और एट के में दोनों में हो सकता है मुझे अच्छे से याद नहीं है बट 2022 के क्वेश्चन में भी इसको पूछा गया था लेकिन थोड़ा घुमा कर पूछा गया था हाँ पेज नंबर आप देख सकते हो मैंने पेज नंबर लिखा था टू वन फोर मिल जाएगा आपको वहां से चैप्टर नंबर सेवन में है चैप्टर नंबर इलेवन में है सारी चीजें आपको मिल जाएगी तो चलिए आप लोगों को मैं पहले आंसर बता दू सेकेंड क्वेश्चन जो है आपको उसका मतलब लिखना है देखिए क्या लिखना है मतलब लिखना है Z -I -F -T. तो इसका देखो क्या है मिल गया। फिर उसके बाद कौन सा ग्लैंड है तो थाइमस ग्लैंड है कौन सा है कौन सा ग्लैंड होता है वो थाइमस ग्लैंड होता है ठीक है आई ए ए की मुकम्मल हालात जो है फुल फॉर्म लिखना है तो ये हमेशा पूछता है बेटा वन वर्ड में तो आप लोग लिख लेना इंडोल एसिटिक एसिड आई ए ए इंडोल एसिटिक एसिड क्लियर है उसके बाद हमको साइंटिफिक नेम हमेशा याद रखना खुदमिनी जानदार का नाम लिखना है तो याद रखो बेटा जो भी साइंटिफिक नेम होता है यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्टेप्टोमाइस वेन्यूज इसको अंडरलाइन करने नहीं भूलना और उसके बाद देखो यहाँ पर मुझसे गलती हुई थी बीटा कुलिया नहीं होता है बल्कि वो अल्फा कुलिया होता है इसके अंदर होता है छठा सवाल जो है कौन से कुलियात में बनते हैं इंसुलिन हार्मोन तैयार होते हैं तो वो अल्फा कुलियात में बनते हैं ठीक है क्लियर है देखो अगर आप लोग फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं मैंने लास्ट की वीडियो में भी बता दिया है प्लीज ध्यान देना उसके बाद देखिए सातवां सवाल थ्री सेवेंटी फाइव कैसे आया प्लीज मेरी बात को एक बार समझने की कोशिश करो यहां पर देखो मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया है आंसर लेकिन आपको समझना भी बहुत जरूरी है सबसे पहले याद रखो सीड जो है सबसे पहले जयगोड बनेगा जयगोड से सीड बनती है और जयगोड भी किससे बनता है मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट से तो ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट्स का जब क्या बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल जो होते हैं मियोसिस करता है तो उसके अंदर चार हिस्से होते हैं, बेटा ध्यान दो, एक, दो तीन, चार हिस्से चार बनते हैं मगर वो तीन हट जाते हैं, एक ही क्या होता है जो है एम्ब्रियो सेक के अंदर जाते हैं मतलब फोलन ग्रेन जो होते हैं हमारे बनते हैं तो यहाँ पर देखो एक ही बना मतलब इन शॉर्ट आपको थ्री बोला गया है तो एक में हमको एक मिला थ्री हंड्रेड में हमको थ्री हंड्रेड टाइम बोला गया है तो थ्री हंड्रेड में कितना मिलेगा थ्री हंड्रेड ये तो हुआ फीमेल का समझ रहे हो फीमेल से हमको कितना मिल गया थ्री हंड्रेड फिर से सुनो अगर हम फीमेल में कर रहे हैं थ्री हंड्रेड के लिए तो हमको कितना मिलने वाला है थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड के लिए करेंगे हम तो कितना मिलने वाला है फोर हंड्रेड किसके लिए फीमेल के लिए अब मेल के लिए ये जो है मेगा स्पोर मदर सेल जो है होते हैं इसका म्यूसिस होता है तो एक के अंदर हमको चार मिलते हैं जैसे सब है ना तो एक के अंदर हमको कितना मिलता है चार मिलता है एक के अंदर कितना मिला बेटा हमको चार फीमेल में कितना मिल रहा था एक में एक ही मिल रहा है लेकिन मेल में कितना मिल रहा है चार मिल रहा है तो एक इजी ट्रिक मैं बता रही हूँ एक मियोसिस है और फोर जो है हमारे पास ये चीज हो गई है और टोटल कितना दिया गया है थ्री हंड्रेड और ये हमको एक्स मालूम करना है तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो थ्री हंड्रेड वन सा थ्री हंड्रेड फोर को फोर एक्स इधर चला गया चार एक चार है ना फिर क्या हो जाएगा चार एक चार चार दुनिया आठ चार तीन बारह चार चौक सोलह चार पंजे बीस चार छ चौबीस चार सत्ताईस अट्ठाइस अट्ठाईस उन्तीस तीस दो बचा फिर चार पंजे बीस सेवेंटी फाइव आ गया ये किसका मिला है हमको सब पूरा मिला है लेकिन याद रखो ये जो हमारा है थ्री हंड्रेड ठीक है थ्री हंड्रेड जो हमारा है और ये सेवेंटी फाइव है दोनों को प्लस करोगे तो कितना मिलने वाला है थ्री सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव कहाँ से आया ये आया है हमारा और टोटल कितना दिया गया है थ्री हंड्रेड दिया गया है कितना दिया गया है थ्री हंड्रेड तो हमको थ्री हंड्रेड दिया समझ में ही कैसा हुआ अगर आपको फोर हंड्रेड बोलता बेटा तो फोर हंड्रेड लिखते आप और यहाँ से फिर एक में चार ही बन रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है उसका आंसर आता आई होप आपको मेरी बात समझ में नहीं आ गई है अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है बेटा ये, ये कैलकुलेट करने नहीं आया है वीडियो को एक बार प्लीज रिवर्स करो एक बार फिर से समझने की कोशिश करू मैंने इजी तरीके से बताने की कोशिश किया है आपको समझ में आ जाता है तो एक थम जरूर दीजिए मुझे उसके बाद तर्क यानी ए माइग्रेशन मेरी बात याद रखो बच्चा ए माइग्रेशन के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछता है किसके ऊपर ए माइग्रेशन के ऊपर तो तर्क मिस्किन किसे कहा जाता है तो तर्क मिस्किन तर्क यानी छोड़ना मिस्किन मतलब रहने की जगह उस वक्त होती है जब कोई जानदार अपना रहन सहन या आबादी छोड़ देता है क्लियर हो गया बहुत इजी पेपर था लास्ट टाइम के मेरे ऑफलाइन के बच्चे ने कहा था टीचर बहुत इजी पेपर था जितनी चीजें पढ़ाई गई थी सारी आई थी तो इस बार के पेपर के अंदर मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो सारी चीजें करते जाओ अब याद रखो बेटा ये हिस्सा जो है हमारा बेस स्टार्ट होने जा रहा है तो हमारा जो है मेंडल के बारे में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है तो मेंडल की कामयाबी की वजूहत तो बेटा देखो मैं आप लोगों को ये बता दूं मैं बड़े बड़े आंसर लिखी हुई कि मैं मानती हूँ मेरे आंसर बड़े बड़े हैं लेकिन अगर आपको मेथड समझ में आ जाएगा ना आप बहुत इजी कर लोगे और ये सारे आंसर आपको कहीं डाइजेस्ट वगैरह से नहीं मिलेंगे मैंने अपने ओन आंसर की नोट्स तैयार की है अगर आप लोग ये सोचोगे टीचर हमको ये पी की शक्ल में दे दो तो बेटा क्या मतलब आएगा आपको बेहतर ये होगा कि वीडियो चालू करो अपने पॉइंट्स खुद बनाते जाओ आप लोग लोगे पढ़ोगे नहीं क्या मतलब आएगा खुद से बनाओ ठीक है चलिए की कामयाबी की वजुआत तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितने मार्क्स के जो है क्वेश्चन है हमारे पास बी जो है हमारे पास आठ सवाल हल करने हैं कितने करने हैं आठ तो आठ एक आठ आठ दो सोलह मतलब दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेटा याद रखो दो मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है आपको चार पॉइंट लिखना है लेकिन देखिए मैंने कितने सारे पॉइंट्स लिखे हैं एक तो मनसूबाबंदी अगर आपको ये लिखना है तो इसको बनाकर लिखो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा अगर बेटा आप लोग ये नहीं बनाते हो डायरेक्ट पॉइंट भी लिखते हो नॉट विल बी एनी इशू बट इससे एग्जामिनर को फ़ौरन देख समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने वेल एजुकेटेड जो है स्टडी की प्लानिंग किया है बंदी किया था उसने तादाद का रिकॉर्ड रखा था किसने मेंडल ने और मटर के पौधों में सात मख्त खसूसियात थी मतजाद खसूसियात की शनात किया था नस्ल दर नस्ल उसको मुंतकिल किया था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुसलसल कोशिश किया था और नतायज को तनासब की शक्ल में देना उसने दिया था अगर आप ये पॉइंट बना लेते हो चार पॉइंट भी लिखते हो तो ठीक है इसके अंदर से आप लोग यही चीज़ को मैंने पॉइंट में डाल दिया कैसे इसके जरिए देखो अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इधर देख लीजिए मैं देख रही दे रही हूँ आप लोगों को यहाँ से देख भी रही हूँ साथ में सही दिख रहा है कि नहीं इसके जरिए किए जाने वाले तजुर्बा मोहताज तरीके से बंद किए जाते थे इसके जरिए मतलब किसके मेंडल के जरिए मेंडल ने हर किस्म के पौधों की तादाद का रिकॉर्ड रखा है ना मैंने लिखा है ना तादाद का रिकॉर्ड उसके बाद हासिल होने वाले नतज को तनासब की शक्ल में पेश किया मतलब रेशियो की शक्ल में उसने पेश किया है मटर के पौधे में मुताजा खसूसिया की शनात आसानी हासिल की जा सकती थी है सात मुखूसिया एक ही जूस फैक्टर के जरिए काबू की जा सकती थी अगर आप लोगों ने ये लेसन पढ़ा है तो बहुत अच्छा है आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी फैक्टर का नाम कब दिया गया जूस क्या होता है की कौन सी चीजें कैसी आई है फैक्टर लूनी जिसम पर मौजूद होते हैं और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं तो आपको मैंने ये आंसर बता दिया है बेटा आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो और मैं तो यही बोलूंगी बच्चा सारे के सारे आंसर आप लोग खुद लिखो ठीक है दूसरी सारा पेज हो गया अल्हदुल्ला हम हमारा द पेज हमको क्या करना है बेटा डीएनए के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है मेरी बात याद रखना बच्चा डीएनए के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है या तो डीएनए फिंगर प्रिंट के बारे में पूछेगा या तो कुछ अलग अलग तरीके से पूछेगा चैप्टर नंबर में दिया हुआ है मैंने सारी चीज़ों का चैप्टर लिख दिया है है चैप्टर नंबर में दिया हुआ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं चैप्टर मिल जाएगा आंसर फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी ठीक है तो चैप्टर नंबर फोर में दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है बेटा वार लगाना है ठीक है तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो होती है हमारी तो उसके मराहिल को सही तरतीब में नज्म कीजिए मतलब उसको सही स्टेप में लगाना है तो सबसे पहले डीएनए की अलहेदगी होगी उसके बाद खामरी होंगे उसके बाद प्रोसेस होगा और चौथा वाला जो है लास्ट हमको क्या मिल रहा है होगा ठीक है ये चार टॉपिक आपको नंबर वाइज लिखना है आप पहले ये लिखोगे फिर नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर इस पॉइंट को मत डालिए ठीक है क्लियर हो गया अच्छा अब उसके बाद देखते हैं इंसानी मनुआ और बेजा दोनों में फ़र्क देखिए बेटा याद रखना मेरी बात को हमेशा हर साल के पेपर में फ़र्क पूछा ही पूछा है तो आप लोग क्या कीजिए चार से पांच फ़र्क को ले लीजिए और उसको याद करना या फिर उसको समझना स्टार्ट कर दीजिए चलिए देखते देखिए मैंने यहाँ पर फ़र्क दिया है मैं पढ़कर इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ करके मैं बता रही तो आप लोग लिख सकते हो ठीक है दो मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमको चार पॉइंट इनफ हो जाएंगे फोते की जरसूमी थैलियाँ ठीक है जरसूमी थैलियाँ जो होती है एपीथर्मल से स्पम नर जवाजे से कहा जाता है इस पर मोटोजेनेसिस जो है ये बनने का अमल जो होता है इस पर मोटोजुआ बनने का जो अमल होता है वो क्या कहलाता है इस पर मोटोजेनेसिस कहलाता है यानी नर जवाजे से इस पर मोटोजोआ बनने का अमल क्या कहलाता है इस कहलाते हैं उसके बाद वो अमल जिसमें यकगुना मादा अंडा या बेजा दुगना जर्सों में थैली बनाता है उसे क्या कह ले, क्या कहते हैं हम ओजेनेसिस कहा जाता है इसका नाम ऊजेनेसिस है ये अमल किसमें होता है टेस्टिस में होता है किसमें होता, किस होता है ये अमल टेस्टिस में होता है और बेटा ये वाला अमल किसमें होता है आसाइ सी बात है ओवरिज में होता है ये अमल टेस्टिस से शुरू होकर टेस्टिस पर ही मुकम्मल हो जाता है लेकिन ये बेजेदार के अंदर शुरू होता है और बेजेदान के बाहर ओविडक्ट में मुकम्मल होता है ये बालिग होने के बाद शुरू होता है और ये जीन जो होते हैं फेटाइल के दरमियान ही शुरू हो जाते है मैंने इजी इजी पॉइंट लिया है अगर आपको इससे और इजी लगता है तो आप लोग वो पॉइंट ले लीजिए मैंने चारों पॉइंट्स बता दिए आपको एक दो तीन चार डर सवाल नंबर छ से इलाज के इस्तेमाल हमको करना है तो देखो बेटा जीन से जो है जीनोथेरेपी जो होती है हमारी इसको करना है तो मैंने बताया था खराब जीन का तबादला किया जा सकता है याद है आपको मैंने पिछले पिछले जो पिछला क्वेश्चन जो था इसके अंदर इस तरीके से ट्री डायग्राम बना के बताया आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनाओ ट्री डायग्राम के जैसा करो ठीक है जीन में खराब जीन का तबादला किया जा सकता है ऐसे जीन दाखिल किए जाते हैं जो कैंसर के खुलियात को तेजी से खत्म करते हैं इसकी मदद से हकीकी जीनी बनावट को तब्दील किया जा सकता है ऐसे जीन मुहैया किए जाते हैं जो कैंसर के खुलियात को वापस आम खुलियात में तब्दील कर देते हैं बैक्टीरियाई या वायरल जीन टीके के तौर पर फराम किए जाते हैं और इसके अलावा वायरस की नकलसानी में ख़राबी दूर करने के लिए जीन की फरहमी होती है नई नसीज की नशोनमुमा बढ़ाने या कम करने के लिए भी जीन की फरहमी की जाती है ज़ख्मी नसीज में भरने के अमल को नकसाने वाली जीन की फरहमी भी होती है मैंने पॉइंट बहुत ज़्यादा लिखे हैं आप अगर इसके अंदर से चार पॉइंट भी लिखते हैं तब भी आप लोगों के लिए बहुत है ठीक है अब इसके अंदर जीन फ्लो क्या होता है ये लिखना है तो बेटा याद रखो ये क्वेश्चन पहले आप लोग देख लो देखो यहाँ पर हमको तारीफें लिखने के लिए दी गई है एक जीन फ्लो है और दूसरा जो है हमको क्या दिया हुआ क्रोमोजोमल एब्रेस तो मैं पढ़कर बता रही हूं जीन की आबादी में या इसके बाहर की नकल हरकत को क्या कहा जाता है जीन फ्लो कहा जाता है Clear? और हमारा सेकंड वाला जो होगा देखो यहाँ है क्रोमोजोम की गलत रवि या खताकारी तो क्रोमोजोम में होने वाली तीन तरीके की चीजें होती है एक तो स्ट्रक्चरल होती है एक आइडेंटिकल होती है और एक मॉर्फोलॉजिकल होती है मतलब सूर्याती होती है तब्दीली को क्रोमोजोम की खताकारी कहते हैं। फिर दोहरा बारावरी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है देखो दोहरा बारावरी जो है दोहरी बारावरी बन बीजा पौधों की यकता सिफत है ये एक वाहि सिफत होती है ये इस बात की जमानत है कि जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स पौधा बीज के साथ साथ गिजा भी महफूज करता है ठीक है दुगना जुफता मतलब जो जायोड होते हैं ये क्या बनाते हैं एम्ब्रियो में नमू पा जाती है और वार मरहले से गुजर कर नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है मैंने सारी चीज़ें बता दी अगर कुछ नहीं समझा होगा तो आप लोग एक बार देख लो मैं अप डाउन कर रही हूँ ताकि आपको पूरी पूरी वीडियो जो है क्लियरली दिखाई दे ब्लर ना दिखाई दे सवाल नंबर नौ हमारा स्टार्ट होता है बेटा सवाल नंबर नौ में हमको सिर्फ नाम लिखना है देखो यहाँ ये डायरेक्ट डायरेक्ट जा रही है और ये जो है हमारी जड़ जो है ये अंदर अंदर से जा रही है समझ रहे हो मेरी बात को ये डायरेक्ट ऊपर ऊपर से जा रही है ये अंदर अंदर से जा रही है तो इसका क्या नाम है और इसकी शनाख्त करके इसकी तारीफ पे लिखना है तो देखो मैंने यहाँ पर तारीफ लिख करके दिया है आप इसे पढ़ सकते हो पहला जो दे दिया गया है हमें क्या बोला गया है एपोप्लास्ट पाथवे यानी दिगर माया रास्ता जब पानी की कुछ मकदार जड़ के ऐतराफ खुलवी दीवार और कशरी खुलियात के बैन जगह से गुजरता है इसे दिगर माया कहते हैं। समझ में आ गया जो पहली ए डायग्राम थी और उसके बाद क्या है जब पानी एक जिंदा खुलिए से दूसरे जिंदा खुलियात में एक माय पुल के जरिए होकर गुजरता है उस रास्ते में क्या होती है ट्रांस जिल्ली होती है इसे ट्रांस जिल्ली वाला रास्ता भी कहा जाता है ठीक है क्लियर हो गया हम माया रास्ता भी कहा जाता है इसे तो आप लोग इसके आंसर एक मरतबा देख लीजिए ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी और रजिस्टर बड़ा है इसलिए पूरी जो है जो सारी चीजें आ नहीं पा रही अगर मैं ज्यादा जूम करूंगी इसको तो पूरी वीडियो फट जाएगी और ज्यादा हाई लेवल पे करूंगी अगर बेटा मैं इसका अप लेवल करती हूँ तो वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी दसवा क्वेश्चन देखिए हमारा हम बाशियत जो है उसकी वजाहत करना है तो हम बाशियत क्या होती है उसकी वजाहत करना है हमको इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए मैंने लिख कर दे दिया है पढ़ना मेरा काम है बच्चा है। एक बार मैं पढ़ के बता दे रही हूँ आप शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो ये आपसी इश्तराक इश्तराक करने वाले दो अनवा को फायदा पहुंचाता है लाइकन देखो ऐसा लिखेंगे पपुंद और ज़ियाई तालीफ करने वाली अलगी या साइकिनोबैक्टीरिया इस गहरी मेचो एसिड रिश्ते की नुमाइंदगी करती है इस तरह पपुंद और आला पौधों की जड़ों में रिश्ते मलाय को ज़राज में नज़र आते हैं पपुंद पौधों को ज़मीन से ज़रूरी गज़ा के इंज़ाम में मदद करता है मतलब गज़ा को जज्ब करने में क्या करता है मदद करता है और पौधा फफून को तो खारिज करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स मुहैया करता है इर्तका के लिहाज से मेचोरिज्म की सबसे दिलचस्प मिसाल पौधों और जानवरों के रिश्ते में मिलती है ऐसे फूलों की जेरगी के लिए बीज के इंतजार की लिए जानदारों की मदद और जरूरत होती है आपको शॉर्ट करना है आप उस अपने हिसाब से शॉर्ट कर लीजिए ग्यारहवा सवाल है बेटा ग्यारहवा सवाल देखिए वीडियो लंबी है बोर मत होइए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए पेपर करने बैठोगे तो दो ढाई ढाई घंटे का पेपर है बट मैं एक्सप्लेनेशन में ही दे दे रही हूँ आपको पूरी चीज़ें समझा कर ग्यारहवा क्वेश्चन आपको बता दी थी मैंने पानी के ऊपर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है पानी के इंज़ार को मुतासर करने वाले अवामिल की तशरी कीजिए तो मैंने बताया आपको दो मार्क्स का है बेटा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है मैं मानती हूँ मैं बड़ा बड़ा लिखी हूँ आंसर लेकिन ये तीन मार्क्स के हिसाब से मैंने किया है आप शॉर्ट कर सकते हो मैं शॉर्ट आंसर देती हूँ आप लॉन्ग नहीं कर पाते पानी के इंज़ार के लिए शोहरी पानी की मौजूदगी ज़रूरी होती है शोहरी पानी को क्या बोला जाता है कैपिलरी वाटर पानी के इंज़ाम की शराब मिट्टी के दर्जे हरारत ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से थर्टी डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होती है पानी की इंज़ाम की शरह को ज्यादातर अरतक वाले मुनहल कम कर देते हैं कमज़ोर हवाई मिट्टी जो हवा के जरिए आती है इंज़ाम की नाकिस शरह को ज़ाहिर करती है बढ़ती हुई सरियाती असरा सैराबी मिट्टी में पानी के इंज़ाम की शरह को तेज़ करती है चार पाँच पॉइंट मैंने दिए जो ईजी लगते हैं वो लिख लो अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो यहाँ से वीडियो में देख सकते हो बारहवा क्वेश्चन है मैं आपको दोनों चीजें क्लियर करती जा रही हूँ बच्चा देखो बारहवा क्वेश्चन है हमारा ये चार सवाल हमारे इसके अंदर एक्स्ट्रा रहते हैं अगर आपको वीडियो स्किप स्किप करना है तो आप कर सकते हो क्योंकि पूरे आप लोगों ने आठ क्वेश्चन देख लिए हैं ग्यारह बारह तेरह चौदह ये चार सवाल स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर आप सुन लोगे तो ज्यादा अच्छा है ताकि आगे वीडियो में प्रॉब्लम ना हो अच्छा देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है ये वाला क्वेश्चन जो है बारहवा क्वेश्चन बारहवा क्वेश्चन मैंने दे दिया है आपको दो चीजें लिखना है एक तो तफ्रिक बोला गया है ठीक है तफ्रिक लिया गया है तफ्रिक के अंदर पॉइंट दिए गए हैं ए और ए जो है पहले उसकी एग्जाम्पल दी गई है क्या होता है वो दिया गया है फिर उसके बाद एग्जाम्पल दी गई है तो ये जड़ो रूट और साको यानी शूट्स के राशि मकसमा से हासिल करदा खुलियों की पुख्तगी होती है आपको इंग्लिश टर्म लिखना है लिख लो सेल मेच्योरेशन एपिकल मेजर स्टर्म जो सारी चीजें लिखना है आपको लिख सकते हैं ठीक है लेकिन आपको उर्दू में भी पता होना ज़रूरी है जब मेच्योरेश होता है मतलब जब पुख्तगी आती है उसके नतीजे में खुलिए कि जो साख्त होती है स्ट्रक्चर जो होती है उसके अफाल में दायमी तब्दीली जो होती है उसको क्या कहा जाता है तफरीक कहा जाता है दायमी तब्दीली मतलब जो परमानेंट चेंज होता है आपको आंसर दिख गया है अगर कुछ चीज नहीं समझी होगी तो मैं दोनों साइड से वीडियो दिखा रही हूँ इस साइड से भी और इस साइड से भी आप देख सकते हो बी वाला देखिए उसको क्या बोला जा रहा है रीडिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन रीडिफ्रेंशिएशन यहाँ पर पहले डिफरेंशिएशन बोला है तफरीक बोला है यहाँ पर क्या बोला गया है रीडिफरेंशिएशन बोला गया है तो फान जो होते हैं इसका मतलब दोबारा तफरी तो फुकदान तफरी फुकदान यानी जिसकी किल्लत होती है यानी डी डी डिफ्रेंशन के जरिए तैयार करदा खलियात की एक बार फिर तकसीम का करदगी और मखसूस फालियत यानी स्पेसिफिक फंक्शन का मुजाहरा करने की सलाहियत को खो देते हैं उसे क्या कहा जाता है दोबारा तफरी कहा जाता है एग्जाम्पल यहाँ पर दे दी गई है देखो और सानवी ला यानी आपको सेकम्स दोबारा तफरी जो होती है उसकी बेहतरीन जो है मिसाल दे दी गई है और उसकी तब्दील बाफ से तैयार होती है तो आपको मैंने लिख करके बता दिया है क्लियर हो गए और ये बहुत इजी क्वेश्चन है याद रखो बेटा यहाँ से आपको बोला गया है ये आप पेज नंबर 161 पर देखो किताब के अंदर चैप्टर नंबर एट में जाओ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी प्लीज़ किताब खोल करके बैठो ताकि आपको सारे आंसर मिल जाए तो आपको पहले ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है मतलब ए के लिए ये वाली है बी के लिए ये वाला है के लिए ये वाला है सीखे के लिए ये वाला है क्या है बेटा ये चीज तो ये टेबल अच्छे से पढ़ के जाना दर्ज जेल अलामत से तनफुसी निजाम के मुनासिब नुक्स की शनाख्त कीजिए तो यहाँ पर हमको शनाख्त करना है ठीक है तो कौन सी बीमारी किससे वो क्या है हमको समझ में आया है ठीक है ये मैं तो बोलती हूँ कोई पागल ही होगा जो ये क्वेश्चंस को छोड़कर आएगा गंदे पानी की सफ़ाई के तरीके में शामिल मराले की तशरी कीजिए तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो देखो मैंने इस तरीके से पूरा लिखा है आप लोग अगर अपने मन से लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो ये एक तिब्बई मरहला होता है जिसमें गंदे पानी में मौजूद बड़े और छोटे आलाइंदे मसलन प्लास्टिक की थैलियाँ दरख्तों के पत्ते वगैरह और वो अशिया जो पानी में तैरती रहती है जाली के जरिए अलहदा की जाती है इसे क्या कहा जाता है स्क्रीनिंग कहते हैं और यह अमल स्क्रीनिंग टैंक में किया जाता है कहाँ किया जाता है स्क्रीनिंग टैंक में किया जाता है ठीक है इसके बाद तकतीर शुदा जो अपने क्या होंगे गंदा जो है गंदगी होगी गंदे पानी जो होंगे तो सिलसिलावार चैम्बर से मतलब ग्रिड चैम्बर से गुजारा जाता है बार, बार 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 गुजारा जाता है तो ये ग्रेड चैम्बर से में क्या क्या होते हैं पत्थर और ईंट के टुकड़े होते हैं जो क्या करते हैं गंदे पानी में मौजूद बड़े ज़र्रात नीचे ही बैठ जाते हैं और सारी चीज़ें गंदगी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो है जो पानी जो होता है गंदे पानी उसकी सफाई करने का तरीका यही होता है तो मैं बेटा जो सेक्शन हमारा सी है और डी है आप मुझे कमेंट्स कीजिए इनशाला मैं बहुत ही जल्द ये वीडियो भी आपको बनाकर देने की कोशिश करूंगी और वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है तो आप लोग फटाफट भगा कर देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए चलिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को कीजिए असल वरहमल वबरक